हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट डिसीजन ट्री पढ़ा और अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट करने वाले मशीन लर्निंग में, जिसको हम बोलते हैं एंसेंबल लर्निंग। इट इज सो यूजफुल कि आप कभी भी कोई भी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट करोगे किसी कंपनी में या फिर किसी कैगल कॉम्पिटिशन में, तो इट्स अ मैंडेटरी थिंग कि आप वहां पे एंसेंबल लर्निंग भी ट्राई करोगे। ठीक है, अब एंसेंबल लर्निंग में कई सारे एल्गोरिदम्स आते हैं, हम लोग एक एक करके सारे एल्गोरिदम्स कवर करेंगे, बट इस वीडियो में मैं आपको बस एंसेंबल लर्निंग के बारे में बताऊंगा, उसका इंट्रोडक्शन दूंगा, उसमें कौन कौन से एल्गोरिदम्स आते हैं वो बताऊंगा और वो एल्गोरिदम्स रफली कैसे काम करते हैं उसका भी एक इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक है, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वर्ड से, एंसेंबल। एंसेंबल वर्ड का क्या मतलब है? सो अगर आप एक बार गूगल करो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंसेंबल, तो आपको आंसर मिलेगा कि एंसेंबल होता है अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट या फिर अ ग्रुप ऑफ समथिंग। इन मशीन लर्निंग आप जब एंसेंबल लर्निंग का बात करते हो, तो एंसेंबल लर्निंग सिग्निफाइज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल मशीन लर्निंग मॉडल्स। सो अगर आप अलग अलग मशीन लर्निंग मॉडल्स को कंबाइन कर देते हो और फिर उनसे मिला करके एक बड़ा मॉडल बनाते हो, तो उस टेक्निक को बोला जाता है एंसेंबल लर्निंग। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि एंसेंबल लर्निंग कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, मतलब अच्छे से क्यों उसका परफॉर्मेंस अच्छा आता है, कहाँ कहाँ पे यूजफुल है और इस तरह की चीजें। ठीक है, और इनफैक्ट टाइप्स ऑफ एंसेंबल लर्निंग। बट सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ जिसको हम बोलते हैं विजडम ऑफ द क्राउड। अगर आपको एंसेंबल लर्निंग समझना है, तो आपको सबसे पहले इस बात का आइडिया होना चाहिए कि विजडम ऑफ द क्राउड किसे कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट टॉपिक। आई गेस थोड़ा तो आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा विजडम ऑफ द क्राउड का क्या मतलब है। हिंदी में बोला जाए तो भीड़ की समझदारी। ठीक है, तो मैं आपको एकदम पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि मैंने कब फील किया विजडम ऑफ द क्राउड। सो जब मैं छोटा था तो मैं केबीसी देखा करता था, कौन बनेगा करोड़पति, और वहां पे अगर आपको याद होगा तो एक लाइफलाइन हुआ करती थी ऑडियंस पोल, राइट। और पता नहीं, जब भी मैंने नोटिस किया, जब भी मैंने केबीसी देखा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब पार्टिसिपेंट्स ऑडियंस पोल लेते थे, उनको सही आंसर मिल जाता था। इसका मतलब किसी भी तरीके से ऑडियंस को सही आंसर पता होता था, और ये मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग बात थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमेशा ऑडियंस को सही आंसर पता है। गेस व्हाट, ये चीज सिर्फ केबीसी में नहीं है, हमारे आसपास हर जगह फैली हुई है। विजडम ऑफ द क्राउड इज अ वाइडस्प्रेड फेनोमेना जिसपे हमारा लाइफ डिपेंड करता है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। एक और एग्जाम्पल जो बहुत बढ़िया है, जो आप शायद रिलेट भी कर पाओगे, इज प्रोडक्ट रिव्यूज। So, आज की डेट में हम लोग शॉपिंग करते हैं Amazon या Flipkart से, तो कभी भी कोई प्रोडक्ट अगर हम खरीदने जा रहे हैं, तो हमें रिलायबिलिटी कैसे मिलता है कि वो प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन परचेस करने में आप प्रोडक्ट को छू करके देख नहीं सकते, हाथ में लेकर के देख नहीं सकते, आपके पास सिर्फ एक फोटो है, तो वो ट्रस्ट कैसे आएगा। तो दैट इज वाई ये Flipkart और Amazon जैसी वेबसाइट्स क्या करती हैं, आपके जैसे कस्टमर से रिव्यू लेती हैं, और वो सारे रिव्यूज आपको दिखाए जाते हैं जब आप वो प्रोडक्ट खरीदने जाते हो। सो लेट्स से अगर कोई प्रोडक्ट है जिसके ऊपर 15,000 लोगों ने रिव्यू दिया है, रेटिंग दिया है, और उसका रेटिंग इज 4.5 out of 5, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा? मेरे दिमाग में आएगा कि सिंस इतने सारे लोगों ने बोला है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट अच्छा होगा। अगर 4.5 का रेटिंग होता और सिर्फ एक कस्टमर का रिव्यू होता, मतलब सिर्फ एक कस्टमर ने 4.5 दिया, बाकी किसी ने कोई रिव्यू नहीं दिया, तो क्या मैं उतना कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील करता उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए? द आंसर इज नो, राइट। तो इन अ वे मैं रिलाई कर रहा हूँ विजडम ऑफ द क्राउड के ऊपर। जब एक बंदे ने बोला 4.5 है, मेरे दिमाग में घंटी नहीं बजी, पर जैसे ही 15,000 लोगों ने बोला 4.5 है, तो मैंने बोला कि हाँ, इतने सारे लोग अगर बोल रहे हैं तो बढ़िया ही होगा, और मैंने रिलाई करके खरीद लिया। ठीक है, ये सेम चीज आपको और जगहों पर भी मिलेगी। जब आप कोई मूवी देखना चाहते हो, IMDB पे आप जाकर के मूवी के बारे में सर्च करते हो, और IMDB की रेटिंग को पकड़ के ही आप डिसाइड करते हो कि मूवी देखना है या नहीं, बट वो रेटिंग आ कहां से रहा है? आपके जैसे और बहुत सारे व्यूअर्स ने आकर के मूवी को देख करके रेट किया, और जब कलेक्टिवली आप उसको देख रहे हो, तो एक नंबर मिल रहा है 8.5, 8.9, 6.1, और वो नंबर आपको बता रहा है कि कलेक्टिवली लोग उस मूवी के बारे में क्या फील करते हैं। अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ विजडम ऑफ द क्राउड। ठीक है, और तो और सबसे बड़ा एग्जाम्पल इज डेमोक्रेसी। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, राइट। डेमोक्रेसी में कैसे इलेक्शन होता है? सारे लोगों को हक है वोट करने का, हर किसी का वोट का बराबर वैल्यू है,
और एंड में जिस पार्टी को ज्यादा वोट्स मिलते हैं वो पार्टी जीत जाती है। क्यों? क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जब ज्यादातर लोग किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो पार्टी सही ही होगी। एंड डेमोक्रेसी का भी जो फंडामेंटल है वो इसी चीज में लाई करता है, विजडम ऑफ द क्राउड। मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ, एक लास्ट एग्जाम्पल। मैं किसी ब्लॉग में पढ़ रहा था, वहां पर लिखा हुआ था कि कुछ 200-300 साल पहले सच में ये इंसिडेंट हुआ था कि एक मेला लगा हुआ था और वहां पर एक जानवर को स्टेज पे खड़ा कर दिया गया और जो होस्ट था उसने पूरी भीड़ से पूछा कि आप लोगों को गेस करना है इस जानवर का वेट कितना है, जिसका भी आंसर सही होगा उसे प्राइज मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों ने गेस करना चालू कर दिया, ऑब्वियसली किसी का भी एकदम परफेक्ट सही आंसर नहीं आया, बट जो होस्ट था उसने उन सारे आंसर्स को उठाया और उनका मीन निकाला। और जैसे ही उनका मीन निकाला गया, यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि जो मीन था वो ऑलमोस्ट डेसिमल वैल्यूज के हिसाब से एकदम क्लोज था उस जानवर के एक्चुअल वेट से। सो समहाउ हमेशा भीड़ को आंसर पता होता है और इसी फिनोमेना को बोलते हैं विजडम ऑफ द क्राउड। अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर और कुछ पढ़ना हो तो आप ये बुक देख सकते हो, Amazon पे एक बुक है द विजडम ऑफ क्राउड्स बोल के। ऑल्दो मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, पहले एक दो चैप्टर्स मैंने पढ़े हैं जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे, और ये एग्जैक्टली इसी टॉपिक के साथ डील करती है कि कैसे भीड़ में लोगों को आंसर पता होता है। और गेस व्हाट, इसी चीज के ऊपर बेस्ड है एंसेंबल लर्निंग। मशीन लर्निंग में एंसेंबल लर्निंग का पूरा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट ऑफ विजडम ऑफ द क्राउड, कि भीड़ को अकेले बंदे से ज्यादा पता होता है। ठीक है, सो नाउ दैट हमें पता है कि विजडम ऑफ द क्राउड क्या होता है, अब एक बार चलते हैं एंसेंबल लर्निंग की तरफ और उसके बेसिक समझते हैं। सो गाइस, अब हम लोग एंसेंबल लर्निंग का कोर आइडिया समझेंगे। द गुड पार्ट इज कि कोर आइडिया बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सो किसी भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से रिलेटेड दो स्टेप्स होते हैं, आपको आई गेस ऑलरेडी पता होगा। एक होता है ट्रेनिंग और एक होता है प्रिडिक्शन। ट्रेनिंग जहां पे वो डेटा को देख करके डेटा के अंदर का पैटर्न खोजता है, और प्रिडिक्शन तब होता है जब आप उसको एक नया क्वेरी पॉइंट देते हो और इसको जो भी इसने सीखा है उसके बेसिस पे आंसर करना होता है। राइट, मैं आपको प्रिडिक्शन वाला स्टेज बता रहा हूं, ट्रेनिंग वाला स्टेज मैं आपको तब बताऊंगा जब हम टाइप्स ऑफ एंसेंबल लर्निंग पढ़ेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, प्रिडिक्शन के स्टेज में क्या होता है कि मान लो आपके पास एक एंसेंबल लर्निंग एल्गोरिदम है। एंसेंबल लर्निंग एल्गोरिदम है मतलब आपके पास कलेक्शन ऑफ स्मॉलर बेस मॉडल्स हैं। मान लो आपके पास अलग अलग एल्गोरिदम्स हैं या अलग अलग बेस मॉडल्स हैं, लाइक दिस, दीज आर डिफरेंट बेस मॉडल्स, बेसिकली एल्गोरिदम्स हैं। ठीक है, डिसीजन ट्री हो सकता है, SVM हो सकता है, KNN हो सकता है, लीनियर रिग्रेशन हो सकता है, कुछ भी है ये, दीज आर डिफरेंट मशीन लर्निंग मॉडल्स। और ये कलेक्टिवली, ये जो कलेक्टिव मॉडल है यही आपका एंसेंबल लर्निंग मॉडल है। इस पूरे को मिला करके आप एक बड़ा मॉडल बना रहे हो जिसको आप एंसेंबल लर्निंग मॉडल बोल रहे हो। ठीक है, अब एक चीज आपको हमेशा इंश्योर करनी होती है कि दीज मॉडल्स आर डिफरेंट। ये हमेशा इंपॉर्टेंट बात रहेगी, हमेशा आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके मॉडल्स बहुत अलग हो। इसका भी मैं आपको इंट्यूशन दे सकता हूं, KBC में मान लो आप बैठे हो तो आपको ऑडियंस पोल यूज करना है और आपको पता चला कि आपके ऑडियंस में सारे के सारे लोग जो बैठे हैं वो सब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, तो ये आपके लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? ऑब्वियसली ये बुरी बात है, क्योंकि अगर सभी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं तो उनका नॉलेज जो है वो सॉफ्टवेयर के डोमेन में है। सो कल को अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर साइंस का और मुझे नहीं आता है तो ये लोग मुझे बता देंगे, बिकॉज ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, बट इनको बाकी कुछ नहीं आएगा। अब इमेजिन अ सेकंड सिनेरियो जहां पे मेरे पास जो ऑडियंस बैठी हुई है वो अलग अलग बैकग्राउंड्स है, एक CA है, एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, एक सिविल इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक पॉलिटिशियन है, एक फिलोसोफर है, राइट? तो अब मेरे पास एक वैरायटी ऑफ क्राउड है, राइट? तो अब अगर मैं कभी फंसूंगा तो हो सकता है अगर इंजीनियर को नहीं पता होगा तो पॉलिटिशियन को पता होगा, पॉलिटिशियन को नहीं पता होगा तो लिटरेचर वाले को पता होगा, राइट? तो दैट इज वाई जब आप एंसेंबल लर्निंग एल्गोरिदम्स बिल्ड करते हो तो आप ट्राई करते हो कि आपके पास जो बेस मॉडल्स हैं जिनसे मिलकर के एंसेंबल लर्निंग मॉडल बन रहा है वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हो, डिफरेंट हो। तो हमें ऐसे एक्सपर्ट्स चाहिए
जो अलग अलग डोमेन में एक्सपर्टीज रखते हैं, ठीक है। तो गोइंग बाय दैट लॉजिक मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको डिफरेंट मॉडल्स चाहिए। अब डिफरेंट मॉडल्स होने का एग्जैक्टली क्या मतलब है? दो मतलब है। एक मतलब ये है कि ये सारे एल्गोरिदम्स ही अलग हो, जैसे पहला वाला मान लो लीनियर रिग्रेशन हो, दूसरा वाला SVM हो, तीसरा वाला डिसीजन ट्री हो, इस तरीके से अलग अलग एल्गोरिदम्स हो, तो ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो गया। एक सेकेंड तरीका भी है कि आप क्या करो, एल्गोरिदम को फिक्स कर लो, सारे ही मॉडल्स लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम है, सारे के सारे लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम्स ही हैं, बट जब आप इन मॉडल्स को ट्रेन कर रहे थे तो आपने इन सबको अलग डेटा दिया, अलग डेटा दिया, एल्गोरिदम सेम है, डेटा आपने चेंज कर दिया, और डेटा चेंज करने की वजह से ये मॉडल्स अलग ढंग से ट्रेन होंगे, और सिंस वो अलग ढंग से ट्रेन होंगे आपने वो वैरायटी क्रिएट कर दिया, डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तो हमेशा याद रखना, पॉइंट वन, एंसेंबल लर्निंग में बेस मॉडल्स अलग होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, वैरायटी चाहिए। और वो डिफरेंस आएगा कैसे? दो तरीके हैं, पहला अलग एल्गोरिदम्स यूज करना, दूसरा सेम एल्गोरिदम यूज करना बट अलग डेटा दिखाना, ठीक है। और थर्ड होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, आप अलग एल्गोरिदम्स भी यूज कर रहे हो और अलग डेटा भी दिखा रहे हो, ठीक है। तो आई गेस यहां तक आपको समझ में आ रहा है। सो अब ये सारे मॉडल्स ट्रेंड हो चुके हैं, ये सारे मॉडल्स ट्रेंड है। अब मेरे पास एक नया क्वेरी पॉइंट आता है। आप सेम एग्जांपल ले सकते हो जो हम आज तक यूज करते आ रहे हैं, CGPA, IQ और प्लेसमेंट हुआ कि नहीं, हम लोग एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। सो अब एक नया स्टूडेंट आया और मुझे उसका CGPA पता है और उसका IQ पता है, और मुझे प्रेडिक्ट करना है कि उसका प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। सो मैं क्या करूंगा, अब इस क्वेरी पॉइंट को हर एल्गोरिदम को दूंगा, सिंस हर एल्गोरिदम खुद में एक मशीन लर्निंग मॉडल है, वो प्रिडिक्शन कर सकता है, राइट। तो पता चला कि पहले वाले ने बोला प्लेसमेंट हो जाएगा, दूसरे वाले ने बोला नहीं होगा, तीसरे वाले ने बोला हो जाएगा, नहीं होगा, एंड सो ऑन। अब मान लो हमारे पास 5 मॉडल्स होते, अभी तो यहां पे मैंने n लिखा है, मतलब मान लो कि हमारे पास अगर 5 मॉडल्स होते और 5 में से 3 लोगों ने बोला हो जाएगा और 2 लोगों ने बोला नहीं होगा, तो डेमोक्रेसी वाला लॉजिक लगता है, उस लॉजिक को बोला जाता है मेजॉरिटी काउंट। तो मेजॉरिटी काउंट जिस भी क्लास के फेवर में होगा आपका ऑनसेंबल मॉडल बोलेगा वही चीज होगी। सो यहां पे अगर ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि प्लेसमेंट होगा तो आपके ऑनसेंबल मॉडल का आउटपुट विल बी कि प्लेसमेंट होगा, अगर लोगों ने बोला होता ज्यादा कि नहीं होगा तो आपका ऑनसेंबल मॉडल बोलता नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि प्रिडिक्शन कैसे होता है ऑनसेंबल लर्निंग में, ठीक है। ट्रेनिंग के बारे में हम लोग थोड़ी देर के बाद बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ ये तो हो गया क्लासिफिकेशन सेटिंग, रिग्रेशन सेटिंग में क्या होगा? रिग्रेशन सेटिंग में क्या होगा, दैट्स द क्वेश्चन। कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा, बिल्कुल सेम चीज रहेगी। आप फिर से दो चीजें फॉलो करोगे, पहली चीज सारे के सारे मॉडल्स जो आपके पास होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए, और सेकंड चीज कि आपका मॉडल जो ट्रेन होगा वो या तो सेम मॉडल्स होंगे या फिर अलग डेटा पे ट्रेन होने वाले सेम मॉडल्स होंगे, डिफरेंट, आई एम सॉरी कंफ्यूज हो गया मैं, या तो वो डिफरेंट मॉडल्स होंगे या फिर अलग डेटा पे ट्रेन सेम मॉडल्स होंगे। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी अबाउट दैट। नाउ अब अगर आपके पास रिग्रेशन सेटिंग है, मान लो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि CGPA और IQ देख के आपको बताना है कि LPA कितना होगा, कितने लाख्स का प्लेसमेंट होगा, तो इन दिस केस ऑल्सो आप क्या करोगे, अपने इनपुट क्वेरी पॉइंट को सारे मॉडल्स को भेज दोगे। अब ये सारे मॉडल्स इंटरनली रिग्रेशन मॉडल्स हैं, तो ये आपको एक नंबर आउटपुट करेंगे, 8.1, 3.2, 4.1, 7.5। अब ऑनसेंबल मॉडल जो होगा, जो ओवरऑल मॉडल होगा, वो क्या करेगा, इन सबको ऐड करके 4 से डिवाइड कर देगा, या इन शॉर्ट मैं बोल सकता था मीन कैलकुलेट कर देगा, और जैसे ही आप मीन कैलकुलेट करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आई गेस आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल सी चीज, बहुत ही सिंपल सी चीज है और बहुत ही इफेक्टिव भी है, ठीक है। तो कोर आइडिया तो बस इतना ही है कि आप खूब सारे मॉडल्स को लाते हो और उन सबसे एक सवाल पूछते हो, उन सबका आंसर लेते हो और उस आंसर के हिसाब से फिर डिसीजन मेकिंग करते हो, ठीक है, दैट इज द होल आइडिया। सो मैंने यहाँ पे आपको प्रिडिक्शन वाला स्टेज ज्यादा अच्छे से समझाया, ट्रेनिंग वाला स्टेज मैंने इसलिए नहीं समझाया
क्योंकि ट्रेनिंग बहुत अलग अलग ढंग से होती है डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से टाइप का ऑनसॉम्बल लर्निंग यूज कर रहे हो। तो इसीलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ऑनसॉम्बल लर्निंग, जहां पे मैं आपको डिफरेंट टाइप्स बताऊंगा और हर टाइप में ट्रेनिंग कैसे होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, वही हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। ओके गाइज, सो नाउ लेट्स डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑनसॉम्बल लर्निंग मेथड्स इन मशीन लर्निंग। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक चार्ट सॉर्ट ऑफ बना के दिखाता हूँ और फिर हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो अगर आप ऑनसॉम्बल लर्निंग का बात करो तो प्रिसाइजली हमारे पास चार डिफरेंट टाइप्स होते हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। एक्चुअली उनसे ज्यादा है टाइप्स, बट ये चार सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। जो सबसे ईजी और काम का टाइप है वो होता है वोटिंग, इसको वोटिंग ऑनसॉम्बल बोला जाता है। ठीक है, जो सेकेंड होता है उसको बोला जाता है बैगिंग, ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है। थर्ड, जो शायद सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑनसॉम्बल टेक्निक है, उसको बोला जाता है बूस्टिंग। एंड जो लास्ट है उसको बोला जाता है स्टैकिंग। ठीक है, यही चार सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स आपको ऑनसॉम्बल लर्निंग में पढ़नी है और यूज करनी है। ठीक है, अब यहां पर अगर आपने कभी कभी कुछ फेमस एल्गोरिदम्स के नाम सुने होंगे तो बैगिंग के अंदर एक फेमस एल्गोरिदम आता है जिसको हम बोलते हैं रैंडम फॉरेस्ट। बहुत ही पावरफुल और बहुत ही यूजफुल मशीन लर्निंग टेक्निक है और ये आप आगे बहुत यूज करने वाले हो। ठीक है, बूस्टिंग में भी कुछ बहुत फेमस टेक्निक्स आती हैं जैसे कि एडा बूस्ट, अडैप्टिव बूस्टिंग कहते हैं इसको। नेक्स्ट इज ग्रेडियंट बूस्टिंग, ये भी एक बहुत ही काम की टेक्निक है, बहुत यूजफुल। एंड द लास्ट वन इज जो हर मशीन लर्निंग कॉम्पिटिशन में यूज होता है कैगल के ऊपर, इसको बोला जाता है एक्सजी बूस्ट, इट स्टैंड्स फॉर एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग। ठीक है, तो इस अगले चार पांच वीडियोज में हम लोग यही करने वाले हैं कि हम इन सारे टाइप्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और उनको यूज करना सीखेंगे। ठीक है, अब एक डिस्कशन थोड़ा सा इस चीज के ऊपर कि ये अलग अलग टाइप्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं। ये अलग अलग टाइप्स सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ऑनसॉम्बल लर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके जो बेस मॉडल्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो वो डिफरेंस आएगा कैसे, दो अलग चीजें हमने पढ़ी। पहला, आप डिफरेंट एल्गोरिदम्स यूज करो और दूसरा, आप सेम एल्गोरिदम यूज करो बट अलग डेटा प्रोवाइड करो। तो इन्हीं दोनों टेक्निक्स की वजह से ये चार अलग टाइप्स हैं। ठीक है, मैं आपको रफली जल्दी जल्दी हल्का इंट्रोडक्शन देता हूं इन चारों टेक्निक्स के ऊपर, सो दैट आप रेडी रहो आगे जब हम डिटेल में पढ़े तो आपको थोड़ा आइडिया हो उस चीज के बारे में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ वोटिंग। वोटिंग ऑनसॉम्बल सिर्फ इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपके बेस मॉडल्स आर डिफरेंट। ठीक है, बेस मॉडल्स आर डिफरेंट एल्गोरिदम्स। सो यहां पे आप क्या करते हो, आप तीन मान लो अलग एल्गोरिदम्स को पकड़ रहे हो, एक SVM है, एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन है और एक डिसीजन ट्री है, और आपके पास एक डेटा सेट है, लेट्स कॉल इट D, और आप ये सेम डेटा सेट तीनों को देते हो और तीनों मॉडल्स को ट्रेन करते हो। जैसे ही तीनों मॉडल्स ट्रेन हो जाते हैं और अब मेरे पास कोई नया क्वेरी पॉइंट आता है, अब मैं क्या करूंगा, ये सेम क्वेरी पॉइंट को मैं इन तीनों ट्रेन मॉडल्स को भेजूंगा और अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है ये तो मैं वोटिंग काउंट मेजॉरिटी काउंट के थ्रू निकालूंगा, और अगर ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो मैं मीन कैलकुलेट कर दूंगा। सो बेसिकली वोटिंग बहुत ही सिंपल है, यहां पे आप जो डिफरेंस जो वैरायटी क्रिएट कर रहे हो वो इस फैक्ट से आता है कि आपके सारे बेस मॉडल्स आर डिफरेंट एल्गोरिदम्स, दे आर ऑल गेटिंग द सेम डेटा, दे आर डिफरेंट एल्गोरिदम्स, एंड सिंस दे आर डिफरेंट एल्गोरिदम्स देयर इज वैरायटी इन योर ऑनसॉम्बल एंड इट गिव्स यू बेटर रिजल्ट्स। ठीक है, सो यहां का फंडा बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट इज स्टैकिंग। मैं स्टैकिंग इसलिए पहले पढ़ा रहा हूं क्योंकि स्टैकिंग वोटिंग के बहुत क्लोज है कंसेप्चुअली। सो वोटिंग में आप क्या करते हो, वोटिंग में आप तीन या जितने भी नंबर ऑफ एल्गोरिदम्स ले लेते हो अलग अलग टाइप के और उनको सेम डेटा प्रोवाइड करते हो।
और जब आपको प्रिडिक्शन करना होता है तो आप प्रिडिक्शन कैसे करते हो, आप एक नया क्वेरी पॉइंट सभी को दे देते हो और फिर उसके हिसाब से मेजॉरिटी काउंट निकाल लेते हो। स्टैकिंग में आप बस एक चीज अलग करते हो कि आप यहां पर सेम सेटअप है, ये सेम सेटअप है, बट यहां पर आप एक और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को बिठा देते हो। यहां पर आप एक और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को बिठा देते हो, लेट्स से आपने बिठा दिया KNN को, लेट्स से आपने KNN को यहां पे बिठा दिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि ये KNN मॉडल भी ट्रेन होगा। कैसे ट्रेन होगा कि मान लो पहला, जब आपने ट्रेनिंग के फेज में जब पहला डेटा भेजा इन तीनों को, तो इसने प्रिडिक्ट किया 1, इसने प्रिडिक्ट किया 0 और इसने प्रिडिक्ट किया 1, राइट। तो आउटपुट क्या आया, 1। तो अब KNN को जो इनपुट मिलेगा वो ये मिलेगा, KNN के लिए जो डेटा होगा, जैसे इन तीनों मॉडल्स के लिए जो डेटा है वो ये डेटा सेट है, बट KNN के लिए जो डेटा होगा वो ये होगा। SVM ने क्या बोला, LOR ने क्या बोला, एज इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन ने क्या बोला, डिसीजन ट्री ने क्या बोला और एंड में रिजल्ट क्या था। सो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था और रिजल्ट भी 1 था। अब नेक्स्ट ट्रेनिंग पॉइंट के लिए मान लो SVM ने 0 बोला, LOR ने 0 बोला, डिसीजन ट्री ने 1 बोला, बट रिजल्ट अभी भी 1 था। तो अब ये जो डेटा है ये इस मॉडल को मिलेगा और ये मॉडल इस डेटा पे ट्रेन होगा और इस डेटा पे ट्रेन होकर के वो क्या करेगा, उसका मेन काम है इन बेस मॉडल्स को एक वेटेज असाइन करना। सो इसको W1 देगा, इसको W2 देगा, इसको W3 देगा। सो बेसिकली अब क्या कर रहे हो कि आपने वोटिंग में बस एक छोटा सा चेंज कर दिया। मतलब डेमोक्रेसी में क्या होता है, सभी का वोटिंग राइट्स बराबर है, मेरा वोट भी एक काउंट होगा और मुकेश अंबानी का वोट भी एक काउंट होगा, राइट। बट स्टैकिंग में आप बस एक डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो कि आप एनालाइज कर रहे हो कि कौन सा मॉडल ज्यादातर सही बात कर रहा है और आप उसको ज्यादा वेटेज दे दे रहे हो, कौन सा मॉडल थोड़ा गड़बड़ कर रहा है उसको आप थोड़ा सा कम वेटेज दे दे रहे हो। तो आप ऐसा मानो कि इन अ डिफरेंट डेमोक्रेसी मुकेश अंबानी का वोट का वेटेज मेरे वोटिंग के वेट से ज्यादा होगा, मतलब उसका जो से है वो मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो भी रीजन है, ही इज अ रिच गाय और व्हाटएवर, ठीक है। तो यहां पर वही फैक्टर लग रहा है, इस मॉडल का काम है इन मॉडल्स का वेट डिसाइड करना। वेट क्यों डिसाइड करना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तीनों मॉडल्स बराबर होंगे, कोई एक मॉडल ज्यादा अच्छा होगा, कोई एक मॉडल खराब होगा, तो आप वो भी देखना चाहते हो कि कौन अच्छा है कौन खराब है। तो दिस इज कॉल्ड स्टैकिंग, ठीक है। स्टैकिंग और वोटिंग कंसेप्चुअली सेम है, बस एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है स्टैकिंग में कि आप मॉडल्स को एडिशनल वेटेज देते हो जो कि वोटिंग में आप नहीं करते। वोटिंग में आपके सारे मॉडल्स का वेट या फिर से या फिर आउटपुट बराबर माना जाता है, ठीक है। आई होप आपको स्टैकिंग और वोटिंग समझ में आ गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैगिंग। बैगिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंसेंबल लर्निंग टेक्निक, इसके बारे में भी जल्दी से बात कर लेते हैं। सो बैगिंग का फर्स्ट ऑफ ऑल फुल फॉर्म होता है, बैगिंग स्टैंड्स फॉर बूटस्ट्रैप्ड एग्रीगेशन, ठीक है। फंडा बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूं। यहां पे आपके पास जो वैरायटी आप क्रिएट करते हो वो आप इस चीज से क्रिएट नहीं करते हो कि आप अलग अलग बेस मॉडल्स ले लेते हो, अलग अलग एल्गोरिदम्स ले लेते हो, नहीं, यहां पे आप सेम एल्गोरिदम रखते हो। जो डिफरेंस आता है, जो वैरायटी आती है, वो इस चीज से आती है कि आप हर मॉडल को अलग डेटा देते हो, दैट इज द मेन आइडिया। सो आई विल शो यू। मान लो आपके पास 3 बेस मॉडल्स हैं और ये तीनों के तीनों SVM है, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, या फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, अपने ऊपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीनों सेम मॉडल्स हैं, तो इस पॉइंट पे तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, तीनों एकदम सेम बंदे हैं, सेम पढ़ाई करके बैठे हैं, सेम नॉलेज है। अब जब आपके पास डेटा आता है, दिस इज डी, तो मान लो डेटा में आपके पास 1000 स्टूडेंट्स का डेटा है और अब आपको वैरायटी क्रिएट करनी है, तो आप क्या करोगे, आप बूटस्ट्रैपिंग करोगे। बूटस्ट्रैपिंग का मतलब आप क्या करोगे, आप तीनों को अलग डेटा दोगे, इसको D1 दोगे, इसको D2 दोगे और इसको D3 दोगे। अब D1 कैसे बनेगा, आपने डिसाइड किया कि मैं हर मॉडल को 500 स्टूडेंट्स का डेटा दिखाऊंगा, तो आपने क्या किया, रैंडमली इसके अंदर से 500 स्टूडेंट्स का डेटा निकाला रैंडमली, जिसको हम बूटस्ट्रैपिंग बोलते हैं, और उसी को आप D1 बोल रहे हो और वही D1 आपने यहां पे फीड कर दिया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इन 500 स्टूडेंट्स का डेटा वापस
अंदर डाल दिया, उसी डेटा के अंदर डाल दिया, और आपने फिर से रैंडमली 500 स्टूडेंट्स का डेटा फिर से निकाला, ये D2 है। अब कोई गारंटी नहीं है कि D1 और D2 सेम होगा, इनफैक्ट बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि दोनों बहुत डिफरेंट डेटा होगा। अब आपने D2 उठा करके मॉडल 2 में दे दिया, फिर आपने वापस इन 500 स्टूडेंट्स का डेटा अंदर डाल दिया, और फिर आपने थर्ड टाइम D3 बनाया 500 स्टूडेंट्स का डेटा रैंडमली निकाल करके, और इस D3 को आपने मॉडल 3 में दे दिया। अब सिंस है वो सेम मशीन लर्निंग मॉडल्स, बट अगर आप उनको अलग डेटा दोगे तो वो अलग ढंग से ट्रेन होंगे, और अगर अलग ढंग से ट्रेन हो गए तो वैरायटी आ गई जो हमें चाहिए थी। अब इसके आगे का काम बिल्कुल सेम है। अब आपके पास अगर कोई नया क्वेरी पॉइंट आता है, आप वो तीनों को दोगे, तीनों का आउटपुट लोगे, मेजॉरिटी काउंट निकाल दोगे या फिर मीन निकाल दोगे, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम दैट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, एंड दैट इज हाउ बैगिंग वर्क्स। ठीक है, इसी का स्पेशल केस होता है रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट इज द स्पेशल केस ऑफ बैगिंग, जहां पे बेस मॉडल्स जो होते हैं वो हमेशा डिसीजन ट्रीज होते हैं, एंड दैट इज वाई द नेम इज फॉरेस्ट, अ कलेक्शन ऑफ ट्रीज। ठीक है, अगर आप और कोई दूसरा एल्गोरिदम का ऑनसॉम्बल बना रहे हो तो उसको बैगिंग बोला जाता है, लेकिन अगर आप डिसीजन ट्री का बना रहे हो तो उसको रैंडम फॉरेस्ट बोला जाता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो आई होप आपको बैगिंग भी समझ में आ गया। द लास्ट वन इज बूस्टिंग, जो कि सबसे पावरफुल टेक्निक है और सबसे यूजफुल टेक्निक है। बूस्टिंग का फंडा थोड़ा डिफरेंट है। बूस्टिंग में भी आप सेम मॉडल्स लेते हो, सेम मॉडल लेते हो। मान लो आपने ये आपका है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब यहां पे आप क्या करते हो कि आप अपना डेटा उठाते हो और डेटा पहले मॉडल को देते हो, पहला मॉडल उस पर ट्रेन होता है, और ट्रेनिंग के प्रोसेस में वो नोट डाउन करता है कि वो क्या गलतियां कर रहा है। ठीक है, क्या गलतियां कर रहा है। बेसिकली अगर मैंने उसको 1000 स्टूडेंट्स का डेटा दिखाया तो उसने कितने स्टूडेंट्स का डेटा गलत प्रिडिक्ट किया, वो उसको ध्यान में रखता है, और फिर जो गलतियां उसने की होती हैं उसको वो आगे वाले मॉडल को बता देता है। वो बोलता है कि देखो भाई, ये स्टूडेंट्स हैं, इनके ऊपर मैंने गलती की, तुम थोड़ा संभल के काम करना। और सिंस अगले वाले मॉडल को उस डेटा के बारे में अलग से समझाया गया है कि यहाँ पे गलती हो रही है, तुम संभल के काम करना, तो अब ये मॉडल क्या करेगा, उन गलत पॉइंट्स के ऊपर सही रिजल्ट्स देने लग जाता है, थोड़ा इंप्रूव्ड रिजल्ट्स देने लग जाता है। बट फिर इसकी खुद की गलतियां होती हैं, तो अपनी गलतियां फिर ये अगले वाले को बताता है। सो इन अ वे यू आर बूस्टिंग योर डेटा, और अगले वाले को आप हर बार बताते हो, और ऐसे करते 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 सीरीज में आपका मॉडल क्या करता है, गलती करना कम कर देता है। ठीक है, एंड दैट इज हाउ बूस्टिंग वर्क्स। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ऑनेस्टली बूस्टिंग, और विद इन 5 मिनट्स में आपको समझा नहीं पाऊंगा, बट दिस इज द कोर आइडिया। पहले मॉडल की गलती दूसरा वाला कम करता है, दूसरे मॉडल की गलती तीसरा वाला कम करता है, और ऐसा आप सीरीज में करते चले जाते हो, एंड इवेंचुअली यू गेट अ मॉडल, अ बिग मॉडल, जो ओवरऑल गलतियां कम कर रहा है। ठीक है, तो बूस्टिंग हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इट इज द मोस्ट पावरफुल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम टेक्निक, सो ये हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट, बट कोर आइडिया यही है। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑनसॉम्बल टेक्निक्स जो आपको पढ़नी है, प्रिसाइजली 4, और फिर इनके अंदर और डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स। बट या आई होप मैंने आपको एक क्लियर कट ओवरव्यू दे दिया। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आपके दिमाग में थोड़ा तो क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार बट क्यों काम करता है ऑनसॉम्बल लर्निंग, रीजन क्या है कि सही से काम कर रहा है और अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, क्यों एक मॉडल से ज्यादा अच्छा रिजल्ट मल्टीपल मॉडल्स दे पा रहे हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताता हूँ, जहां पे हम डिस्कस करेंगे व्हाई ऑनसॉम्बल लर्निंग वर्क्स। ठीक है, सो गाइज, अब मैं आपको एकदम मशीन लर्निंग के पर्सपेक्टिव से समझाने का ट्राई करता हूँ कि ऑनसॉम्बल लर्निंग क्यों काम कर पाता है। ठीक है, ये मुझे एक बहुत बढ़िया इमेज मिल गया गूगल सर्च करने पर। पहले मैं आपको क्लासिफिकेशन के टर्म्स में समझाता हूँ, और फिर मैं आपको रिग्रेशन के टर्म्स में समझाऊंगा। सो अगर आप क्लासिफिकेशन की बात करो, तो मान लो आपके पास ये डेटा सेट है। ठीक है, सो यहाँ पे 3 अलग क्लासेस हैं, स्क्वायर एक क्लास है, ट्राइंगल एक क्लास है, और सर्कल एक क्लास है, और जो ब्लैक एंड वाइट है वो ट्रेनिंग डेटा है, और जो ग्रीन वाला है दैट इज टेस्टिंग डेटा, और ये आपका मॉडल 1 है, दिस इज मॉडल 1। ठीक है, कोई भी मॉडल हो सकता है ये, और ये इस मॉडल की डिसीजन बाउंड्री है। अकॉर्डिंग टू मॉडल 1, दिस इज द डिसीजन बाउंड्री। तीनों क्लासेस इस तरीके से सेपरेट होंगी। ठीक है, अब आपने सेम डेटा के ऊपर मॉडल 2 को ट्रेन किया,
और मॉडल ट्रू ने बोला कि आपकी डिसीजन बाउंड्री ये होनी चाहिए अपने सीखने के हिसाब से, अपने ट्रेनिंग के हिसाब से, दिस शुड बी द डिसीजन बाउंड्री। और जब आपने सेम डेटा के ऊपर मॉडल थ्री एक थर्ड मॉडल को ट्रेन किया तो उसने बोला डिसीजन बाउंड्री कुछ ऐसी होनी चाहिए, राइट। अब अगर आप इन तीनों डिसीजन बाउंड्रीज को एक के ऊपर एक रख दो तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये रही उन तीनों की डिसीजन बाउंड्रीज, एंड यू कैन सी कि थोड़ा सा डिफरेंस है, उन तीनों के ओपिनियन में थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट। अब एंसेंबल लर्निंग क्या करेगा, मेजॉरिटी काउंट यूज करके, इट विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजॉरिटी काउंट। और मेजॉरिटी काउंट लगाने से क्या हो रहा है कि ये जो डिसीजन बाउंड्री है यू कैन सी वो थोड़ी स्मूथ हो गई, या इन शॉर्ट कहा जा सकता है कि जो ये थी उससे बेटर हो गई। एंड दैट इज हाउ मशीन लर्निंग में एंसेंबल लर्निंग वर्क्स, ठीक है। मल्टीपल मॉडल्स का डेटा उठाना है और उनके डिसीजन मेकिंग में जो नॉइज है उसको हटा करके आपको एक बढ़िया मॉडल निकाल के देना है, एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स इन क्लासिफिकेशन, ठीक है। सेम चीज आप रिग्रेशन में भी इमेजिन कर सकते हो। मान लो ये डेटा सेट है और आपको एक रिग्रेशन मॉडल चाहिए। अब अलग अलग मॉडल्स अलग अलग चीजें बोल रहे हैं। ये एक मॉडल है जो बोल रहा है कि इस एंगल पे होना चाहिए, ग्रीन वाला बोल रहा है थोड़ा और ऊपर होना चाहिए, रेड और ऑरेंज कुछ और बोल रहा है, बट आप क्या कर रहे हो उन सबका मीन कैलकुलेट कर दे रहे हो। मीन जैसे आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आप कहीं बीच में यहां पर आ रहे हो, दिस इज द लाइन, ठीक है। और ये ना इतना एक्सट्रीम है इस डायरेक्शन में और ना इस डायरेक्शन में इतना एक्सट्रीम है, ये बीच में एक मॉडल है जो इन सारे मॉडल से अच्छा परफॉर्म करेगा। एंड दैट इज द इंट्यूशन, मतलब इधर कुछ समझाने का नहीं है, बस ये फोटोज ये इमेजेस देख करके आपके दिमाग में एक इंट्यूशन आने लग जाएगा कि क्यों एंसेंबल लर्निंग काम कर पाता है, ठीक है। सो आई होप मैं आपको ये समझा पाया। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं व्हाट आर द की बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एंसेंबल लर्निंग। सो गाइज नाउ लेट्स डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एंसेंबल टेक्निक्स। अब देखो एक क्लियर कट डिसएडवांटेज पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एक बड़ा डिसएडवांटेज तो है। एक बार वीडियो पॉज करके सोचो क्या है वो बड़ा डिसएडवांटेज। वो डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपको एंसेंबल टेक्निक यूज करना है इट मींस आपको मल्टीपल मॉडल्स ट्रेन करने पड़ेंगे। तो जहां पहले आप सिर्फ एक मॉडल ट्रेन करके अपना काम निकालते थे, अब वहां पे आप मल्टीपल मॉडल्स ट्रेन कर रहे हो। ऑब्वियसली आप ज्यादा मॉडल्स ट्रेन करोगे तो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है, राइट, विच इज नॉट अ गुड थिंग। तो इसका मतलब कुछ तो सॉलिड एडवांटेज होना चाहिए जिसकी वजह से हम एंसेंबल लर्निंग को यूज करेंगे, क्योंकि अगर एक ऑब्वियस डिसएडवांटेज है तो फिर यूज करने के लिए एक बड़ा एडवांटेज भी होना चाहिए। तो एक्चुअली यहाँ पे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज तो आपको क्लियरली मैंने अभी तक बोल दिया है, दैट इज इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। सबसे बड़ा तो यही है। दूसरा जो है वो है बायस और वेरियंस को रिड्यूस करता है। आपने आई गेस बायस और वेरियंस पढ़ लिया होगा। मशीन लर्निंग मॉडल का काम होता है प्रिडिक्शन करना। प्रिडिक्शन में एरर्स आते हैं और एरर्स दो टाइप के होते हैं, या तो वो बायस होता है या तो वेरियंस होता है। बायस का मतलब ट्रेनिंग डेटा पे ही रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा। वेरियंस का मतलब है कि जो आपका मॉडल है वो अलग डेटा पे बहुत अलग रिजल्ट दे रहा है, वेरी कर रहा है, बहुत ज्यादा वेरियंस है। यही दो टाइप के एरर्स आपके होते हैं, राइट। अब आपका जो गोल होता है मशीन लर्निंग में, एंड गोल जो है अप्लाइड मशीन लर्निंग में, वो है टू हैव लो बायस, मतलब ट्रेनिंग डेटा पे एरर ज्यादा नहीं आना, मतलब कम एरर आना, प्लस लो वेरियंस, मतलब अगर आप डेटा में चेंजेस कर रहे हो तो मॉडल का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। यही आपके एंड गोल होते हैं। तो एंसेंबल लर्निंग क्या करता है कि आपको ये चीज अचीव करके देता है। So, अगर आपके पास एक ऐसा मॉडल है जो कि लो बायस बट हाई वेरियंस मॉडल है, मतलब ट्रेनिंग डेटा पे बहुत कम गलती करता है बट अगर आप डेटा चेंज करोगे तो उसकी गलती बढ़ जाती है, तो इस तरह का मॉडल, जैसे कि कोई डिसीजन ट्री मॉडल आप बोल सकते हो, डिसीजन ट्री इज अ लो बायस हाई वेरियंस मॉडल, तो आप अगर इसके ऊपर एंसेंबल लर्निंग लगाओगे तो वो क्या करेगा, लो बायस को तो लो बायस ही रहने देगा बट हाई वेरियंस को लो वेरियंस में कन्वर्ट कर देगा। इन शॉर्ट आपको ये चीज बना के दे देगा जो आपको चाहिए, लो बायस लो वेरियंस। और सिमिलरली अगर आपके पास कोई हाई बायस लो वेरियंस मॉडल है, जैसे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन या लीनियर रिग्रेशन, इन दैट केस वो हाई बायस को लो बायस में कन्वर्ट कर देगा और लो वेरियंस को वैसा का वैसा ही रहने देगा। अगेन इन शॉर्ट आपको ये चीज दे देगा,
तो जो अप्लाइड मशीन लर्निंग का सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि बायस और वेरियंस दोनों को रिड्यूस करना है, वो जनरली पॉसिबल नहीं होता क्योंकि एक को बढ़ाने से दूसरा घट जाता है, काइंड ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल या इनवर्स रिलेशनशिप होता है। उस चीज को मतलब अचीव करने में, ये जो डिफिकल्ट काम है उसको अचीव करने में ऑनसेंबल लर्निंग हेल्प करता है। अब ये वाला पॉइंट हम लोग थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग ये सारे टेक्निक्स वन बाय वन पढ़ेंगे, बट इस पॉइंट पे बस समझ लो कि लो बायस लो वेरियंस अचीव करने में ऑनसेंबल लर्निंग आपको हेल्प करता है, विच इज क्वाइट ए डिफिकल्ट थिंग टू अचीव। ठीक है, और जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रोबस्टनेस। जो आपका मॉडल होता है वो एकदम अलग अलग टाइप के डेटा के लिए रोबस्ट हो जाता है। आप डेटा में बहुत चेंजेस भी कर दोगे तो आपका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इधर से उधर नहीं होता। अगेन दिस इज रिलेटेड टू वेरियंस, बट रोबस्टनेस को एक अलग ढंग से बताया जाता है, यूज किया जाता है एक एज अ की पॉइंट, की बेनिफिट ऑफ यूजिंग ऑनसेंबल लर्निंग। ठीक है, आई होप आपको यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, नाउ द लास्ट पॉइंट दैट विल डिस्कस इन दिस वीडियो इज कि कब यूज करना चाहिए ऑनसेंबल लर्निंग को। मैं आपको इन शॉर्ट आंसर देता हूं, द आंसर इज ऑलवेज। देर इज नो रीजन टू नॉट यूज ऑनसेंबल लर्निंग। अगर आप किसी कंपनी में डेटा साइंटिस्ट हो तो अपने प्रोजेक्ट में आपको यूज करना ही चाहिए ऑनसेंबल लर्निंग। जनरली ऑनसेंबल लर्निंग सारी चीजें करने के बाद लास्ट में ट्राई किया जाता है, जब आपने डेटा क्लीनिंग कर लिया, प्री प्रोसेसिंग कर लिया, फीचर इंजीनियरिंग लगा लिया, मॉडल बिल्ड कर लिया, इवेल्युएशन कर लिया, लास्ट में आप लगाओ एक बार ऑनसेंबल लर्निंग एंड यू वुड सी कि आपका रिजल्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंप्रूव कर जाएगा। ठीक है, तो इवन if you are working in a company you should use ensemble learning, or if you are in a Kaggle competition to wahan pe bhi aapko ensemble learning lagana chahiye. In fact Kaggle competitions isiliye famous hue the wahan pe kyunki wahan pe log ensemble learning laga karke bahut badhiya results nikal pa rahe the. theek hai, xg boost Kaggle ki wajah se hi bahut famous hua. theek hai, so in short maine aapko pura introduction de diya ensemble learning ka. अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सारे ensemble techniques पढ़ेंगे। We'll start with voting, फिर हम लोग bagging पढ़ेंगे, फिर random forest, उसके बाद boosting वाले algorithms, और last में मैं आपको stacking पढ़ाऊंगा। The goal is कि आपको बढ़िया से ensemble learning समझ में आनी चाहिए, आप उसको यूज कर पाओ, मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा। और guess what, अगर आपने एक बार ये पढ़ लिया ना तो फिर कई बार आपको डीप लर्निंग की भी जरूरत नहीं पड़ती। मतलब जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, अगर आपके पास छोटा डेटा सेट है तो 95% टाइम्स आपके ensemble टेक्निक एल्गोरिदम्स डीप लर्निंग को बीट कर जाते हैं। बट अगर बड़ा डेटा है तो फिर डीप लर्निंग इज अ डिफरेंट थिंग। सो या आई होप मैंने आपको एक क्लियर कट बर्ड्स आई व्यू दिया पूरे के पूरे ensemble टेक्निक के बारे में। इफ यू लाइक द वीडियो गाइज प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।